सुप्रभात विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में हमने समाज पर आधारित उसके भेद, उसका विग्रह समाज पर बनाना ये हमने सीखा था। समाज के 6 भेदों को हमने विस्तार से पढ़ा था। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, उसके उदाहरणों के द्वारा उसके विग्रह को भी, उसकी पहचान भेद को भी आपने जाना था। इस वीडियो में हम संधि और समास में अंतर को स्पष्ट करें। कभी कभी संधि जैसे शब्द होते हैं और वो समास में भी आते हैं, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। संधि और समास के अंतर को जानने के लिए हम पहले दो भागों में विभाजित कर देंगे, एक संधि का और दूसरा समास। अंतरों को हम उदाहरण के द्वारा जानते हैं। संधि, संधि दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जैसे हिम धन आलय हिमालय। और समास में, समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। पहला अंतर क्या हुआ विद्यार्थी, कि संधि में वर्ण मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं और समास में शब्द मिलते हैं। ये सबसे बड़ा होता है, वहां वर्ण मिलेंगे और यहां शब्द। तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। दूसरा पॉइंट, संधि अर्थात इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। संधि में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। समास समस्त पद बनाने पर विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। जब समस पद या समास बनाते हैं तो समास में लगी हुई जो विभक्तियां हैं उसको हटाकर शब्दों को जोड़ दिया जाता है। अब विद्यार्थी हम उदाहरण के द्वारा जाने, जैसे मैं पहला उदाहरण लिखूं कि धन आलय, शब्द क्या बनेगा विद्यार्थी, हिमालय। हिमालय इसमें किसका किसका और आ वर्ण का मेल हुआ, आ धन आ वर्ण का मेल बनकर आ हुआ। इसमें इसका और इसका आ मिलकर आ हुआ। तो ये जो है संधि है, क्या है संधि। इसमें इसका और इसका दोनों वर्ण मिलकर हिमालय शब्द जो बना वो संधि। परंतु जब इसका विग्रह करेंगे समास के लोग, ये हो जाएगा हिम का आलय तो यहां का जो है ये विभक्ति चिन्ह है। हिम का आलय शब्द बनेगा हिमालय, तो ये जो है समास क्या हुआ शब्द। शब्द दोनों में हिमालय बन रहे हैं, परंतु यहां वर्णों का मेल हो रहा है, यहां दो शब्दों का मेल हो रहा है और वह बनेगा हिमालय। लिखा है कैसा। दूसरा रेखा धन की, शब्द बना रेखांकित। इसमें भी उसी तरह बड़ा बड़ा वर्ण वर्ण और अ बराबर आ, ये भी क्या हुआ संधि हुई। तो रेखांकित संधि हुई। अब यहां अगर हम चौथा देखें, इसका समान जो होगा ये होगा रेखा से अंकित, रेखा
रेखा से अंकित, कारक चिन्ह लग गया, विभक्ति लग गई, ये होगा रेखांकित। ये हो गया समास। तो विद्यार्थी यहां आपने संधि और समास के अंतर को जान लिया कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जैसे यहाँ आ और आवर्ण मिले, यहाँ दो शब्दों का मेल होता है, भीम और आगे का संबंध के बारे में। तो विद्यार्थी आप यहाँ समझ गए संधि और समास में क्या अंतर है, वहां वर्णों का, वहां शब्दों का, और उसके उदाहरण के द्वारा आपने जाना। आगे की वीडियो में हम अभ्यास करके प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।